हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गेमिंग एट द गेमिंग चैनल में। वैसे काफी दिन बाद सीओडी का मेन मैच खेल रहे हैं, अभी तो सिर्फ टीएडीएम खेल रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो फिर इट्स ऑल राइट। तो एक्चुअली इस वाले मैच में कुछ ऐसी रैंडम ही मैच है, कुछ स्पेशल चैलेंज नहीं है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और वैसे हमेशा की तरह एक प्राइवेट प्लेन हमें मिल चुका है और हमको वो युद्ध स्थल तक ले जाएगा हमारे, बस उतरने का इंतज़ार है। तो सोच रहे हैं कहाँ उतरा जाए, फिलहाल मैप में देखते हैं कहाँ उतरा जाए। वैसे ये बहुत ही टीढ़े तरीके से आ रहा है, वैसे अच्छे निश्चित नहीं कर पा रहे हम कहाँ उतरे हम। तो हम सोच रहे हैं कि जहाँ वो यहीं उतरना हमारे लिए मुनासिब रहेगा तो उतर ही जाते हैं। और अच्छा ये न्यूक्लियर प्लांट, चलो मैंने तो देखा ही नहीं था न्यूक्लियर प्लांट, यहाँ लूट अच्छी मिलेगी, चलो अच्छी बात है, चलते हैं उतरते हैं। फिलहाल बाकी इधर दूसरे वाला कहाँ है, दूसरा वाला कोई है क्या, कोई है शायद से क्या है। यहाँ पर अपनी पैरों की आवाज़ सुन के लगता है कोई आ रहा है, ये गलत चीज़ है यार, थोड़ा सा अलग साउंड होना चाहिए दूसरे के। हम फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, वैसे चश्मे क्या रखे हो भाई, ओल्ड ओपन हो जाए यार। पर रॉकेट, चलो रॉकेट बैकपैक मिला, तो रॉकेट लॉन्चर यूज़ नहीं है, लिए रहते हैं फिलहाल, कोई एक दूसरी अच्छी गन मिलेंगी तो उसको रिप्लेस कर देंगे। कौन से थोड़ा स्नाइपर एमओ गन है भाई, गन फिर को स्नाइपिंग करनी है ना, मज़ा आएगा स्नाइपिंग से, साई मारेंगे। बैकपैक मिल रहा है, स्नाइपर की हिम्मत ही, स्नाइपर गन ही नहीं मिल रही, स्नाइपर क्या अभी इवन कोई और दूसरी गन ही नहीं मिल रही है। चलो एक और बक्सा, अच्छा हेल्थ वाला बक्सा, चलो हमारे ही काम आएगा, कोई परेशान नहीं है ना। और इस वाले घर में कहिए क्या, पीछे क्यों कर रहा है भाई मेरे को ऊपर चढ़ना। अरे भाई जाने दे यार, कहे ये कौन सा ग्लिच हो रहा है यार, बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार, नेटवर्क प्रॉब्लम, ऊपर चढ़ने मिले। चलो एक गन और मिला ICR-1, तो उसको हम रॉकेट लॉन्चर से रिप्लेस करेंगे, हैवी एमओ की है मतलब हाई डैमेज वाली। वाह एक बंदा आ गया, माशा जी आ गया, घर बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। आओ भैया आओ, तुम तो जाओगे, कौन थे भैया, जी कॉन्स्ट्रोनन, तो ओके भाई तुम जा चुके हो, मिलेंगे फिर किसी मैच में। तो हमारे पहले खेलते हैं हम, बाकी का है पूरा हेलीकॉप्टर, आई थिंक मैं सोच रही थी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके यहाँ से चल दिया जाए ना, तो चलते हैं यहाँ से, क्या करना है यहाँ पर रुक के, अब जोन के अंदर चलें, जोन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, चाहे कोई भी गेम हो जोन ज़्यादा मेरे को डैमेज देती है। फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं, मज़ा बहुत होगा, चल फिर तो आराम से चलना। अच्छा ओके हेलीकॉप्टर इतने अच्छा, तुम सही चल नहीं रहे जी, पाँच छोड़ गए, अच्छा सॉरी 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 गलती से रख गया, देखा तो कोई आदमी है नहीं, अपने आदमी पाए हो गया, टच है नहीं टच, गलती से हो जाती है। फिलहाल कोई आदमी भी आसपास नहीं दिख रहा, कहीं उतरने की सेफ जगह वो रही बिल्डिंग, कुछ लूट लिया जाए। सोचो इस टावर के ऊपर ही उतारूँ क्या यार, मज़ा आएगी, तो ऊपर है क्योंकि ऊपर लूट मिलती है, ऊपर अगर मैं उतारता हूँ तो मेरे को आसानी रहेगी। अरे ए रुक ज़्यादा आगे जाके जाके नहीं, वापस रुक जा धीरे, अरे यार ये मेरे लैंडिंग नहीं होता, अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर लैंड कराना चाहूँ मेरी लैंड नहीं मेरे सही होती। आजा भाई धीरे नहीं होगा तो भाई ऐसे तेरे को भी रास्ते में छोड़ दूंगा, क्योंकि वो तो अरे अब मैं उस हेलीकॉप्टर में जाने कहा था, प्लेयर मेरा पीछे लाया, रुक जा अरे रुक जा अरे यार नीचे आ गया मैं, अरे मतलब तुम लग उतर नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ मतलब नहीं बना, ये मेरे को ये ग्लिच क्यों हो रहा है, मतलब ये नहीं कि लैग क्यों कर रही है मेरा ये गेम, पता नहीं क्या है, नेटवर्क बिल्कुल सही है पता नहीं क्या हो रहा है। फिलहाल छोड़ो यहाँ पे क्या रॉकेट था, लगता है काला धब्बा छोड़ के चला गया ये रहा बंदा, रुक जा भैया कहाँ गए, इधर ये नहीं ये छिप के कहाँ से आ रहे हो भाई तुम, जाओ हेड शॉट, अरे यार ए जल्दी मार दे तो जल्दी दूसरे ये मरा, ये लोग ये क्या छोड़ रहे हैं यार, वो छल के निकल रहा है जैसे कि रॉकेट यानी बम फूट रहा है, जो भी वैसे वो भी काम हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे फिलहाल चलो आगे बढ़ें, इसने कुछ अच्छी लूट दे दी, हमारी अच्छी डैमेज भी ले ली, मतलब
सब कुछ हुआ यानी सब इक्वलाइज हो, यानी कुछ छोड़ा नहीं इस बंदे ने मेरे लिए, यानी कि हम कुछ एक सही से सरवाइव कर सकें। फिलहाल चलो आगे बढ़ते रहो, क्या करना है, कुछ नहीं रखा है यहाँ कोने वोने में, कुछ तो ये गन वन कुछ कहा इधर दे दिया था। चलो ये लाइट एमओ वाले मिले हैं, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ गन दूसरी ले लूँ क्या, ले लेता हूँ। वैसे इसमें देखो कोई पॉइंट, इसमें दो पॉइंट दे रहा था वो गोल गोल वाला, तो बता यानी कि उससे ज़्यादा रैंक है, मतलब लेवल इसके ज़्यादा अच्छे हैं। दूर भी किसकी जा रही है, हेलीकॉप्टर किसी और की जा रही है। पहले चलो घर के ऊपर चढ़ता हूँ मैं, ऊपर कुछ लूट मिलने की संभावना अति अग्रसर होती है। कोई बक्सा रखा है, कौन सा क्या रखे भाई, ये कुछ खास नहीं है, थोड़ा छोड़ो इसे, आगे बढ़ो कोई आदमी उसमें चलने के यार, उस वाले में ही उसमें लूट मिल जाती है इस वाली बिल्डिंग में। चलो भाई आगे बढ़ो, वहीं पर चलते हैं। वैसे टारगेट कोई बस सामने ना आए, तुमको मारना पड़ेगा बेचारे को, तो क्या मारेंगे ही क्या, और मारने के लिए तो रहे हैं पता नहीं क्यों, मैं मेरा मतलब दूसरे परेशान होता है यार। वैसे इसका चढ़ने का रास्ता किधर से है, कहीं सीढ़ी वीढ़ी दिख नहीं रही। ओ सॉरी, अच्छा तो अंदर से सीढ़ी जाती है, सॉरी पता नहीं था, मैं तो डायरेक्ट जा रहा था। यहाँ पर लूट है यार, सीढ़ी कहाँ है, सीढ़ी कहाँ है भाई, बगल से है सॉरी, यानी कि मैं भी पता नहीं क्या बगल से जो बक्सा है उससे लूट ले लिया जाए, तो फिर सीढ़ी चढ़ा जाए, जो देखो सामने आए ले लो, छोड़ते ना जान, जो मिले सो सही, यानी काल करे सो आज करे सो, मत यानी कि लूट मिले कि जब हम लेंगे, सीधी सीधी बात है ना। फिलहाल इस वाले फ्लोर पे कोई लूट तो है, लेकिन वो कनवा का है कि तो हो गया, छोड़ो वैसे कोई आ रहा है, मेरे को ऐसी संभावना लग रही है क्योंकि चढ़ने की आवाज़ आ रही है, तो हम लूट ले लेते हैं। बंदा है पता नहीं, एक बंदा आसपास है, फुटप्रिंट भी है, फुटप्रिंट भी तो दिखे थे अभी, बंदा है कहाँ है, आ रहा था ना कि नहीं ऐसे हुआ, लेकिन एक आवाज़ आई थी यार, चढ़ने उड़ने की आवाज़ आई थी, तो मैं छोड़ो मैं चढ़ता हूँ, वो चढ़ रहा है कि चढ़ा, मैं धीरे धीरे चढ़ता हूँ कि मेरे पैरों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही होगी, पता नहीं है क्या होता है। चलो एक फ्लैश मिल गया, लाइट एमो मिल गया, क्योंकि मेरे एमो की आवश्यकता है, क्योंकि मुझको मारना है सन सन, मतलब पट पट करके उड़ा देना सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, आई डोंट एनी छोड़ूंगा, मतलब समझ लो। फाइनली एक स्नाइपर गन मिली और उसको मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, स्नाइपर एमो यार सही में, ICR 1 टैक्टिकल स्कोप चाहिए भाई, स्नाइपर लिए हैं तो भैया स्कोप तो चाहिए चाहिए, स्कोप कैसे छोड़ सकते हैं भाई साहब। फिलहाल चलो नेक्स्ट गन की तलाश में, कोई से अच्छी बैटर मिल जाए। ये कौन सी है, AK-47 नहीं चाहिए, होलो लाइट स्कोप नहीं चाहिए, और कुछ लूट फर्स्ट एड किट मिली, इसको ले लो, मतलब मिलेगी तो फर्स्ट एड किट में सही मिले, एक स्नाइपर मिल गई और उधर पता नहीं कौन, लेकिन उधर हम जाएंगे नहीं, स्टेबलाइजर मोड मिल रहा है बैग से, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक क्लस्टर ग्रेनेड है जो कि हम सोच रहे नहीं लेंगे क्योंकि हमको कोई ज़रूरत नहीं, तो हम लोग फिर यहाँ से चलते हैं यहाँ से स्नाइप, ये मतलब जूम इसका है अच्छा है, तो चलो यहाँ से चला जाए अंदर, सीधे जोन के अंदर ही रहेंगे हम, बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि जोन हमारा कुछ नहीं है, समझे नहीं, मतलब क्या समझे नहीं यार, मैं नहीं समझ रहा, मैं छोड़ो जो भी बात छोड़ो। फिलहाल चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए, और वहाँ पर एक रेखाएँ दिख रही हैं, मतलब वहाँ जोन में भी ड्रॉप करने वाला है, फिलहाल हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है कोई उधर, हाँ इधर सामने वाले जो पहाड़ी दिख रही है उस पर जाएंगे, समझे ना, वहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा मारेंगे बोलेंगे और क्या, वहाँ पर क्योंकि स्नाइपिंग लिए हैं तो स्नाइपर गन के पीछे कोई आ रहा है मेरे, मतलब गन की चलने की आवाज़ आ रही है, कोई मारा मार मर जा फाइनली मर गया है। मतलब इस बार मतलब यानी कि ये बंदा था वहाँ पर, ये मेरे को ही वो कर रहा था, मतलब ट्रैक कर रहा था, लेकिन फिलहाल मुझको ट्रैक कर रहा था, खुद ही चला गया बेचारा, सो सैड। फिलहाल आगे बढ़ते हुए और हम आराम से चलेंगे, और इसकी कभी कभी हमारे पैर की आवाज़ ही हमको ऐसा लगता है कि कोई और आ रहा है, रुक रुक के चेक करना पड़ता है, ये आसपास है तो नहीं, फिलहाल कोई देख तो नहीं रहा, ये क्या भाई अगर कोलैप्स हो रहा है तुम्हारा जोन तो उसमें मैं क्या करूँ, होने दो, इसमें बताने कैसे होता, लिख के भी दोगे बताओगे भी, फिलहाल स्कोप मेरे को शांति चेंज करने दो, मेरे को यहाँ पर स्कैन करना है, एक मिनट इसमें नहीं लगे, सॉरी सॉरी लगी हुई है यार स्कोप में, फालतू का लगा रहा हूँ, मतलब मेरे को खुद ही वो नहीं है, मतलब हम स्कोप लगाए हुए हैं तो भी हम इसमें स्कोप लगा रहे हैं, बस एक स्कोप है। फिलहाल वहाँ पर एक दूर पर ड्रॉप गिर रहा है, और एक ऊपर से प्लेन भी जा रही है, इसका जूम अच्छा है, यानी यहाँ से सट्टा से दूर से लगाएंगे हम,
पट से हेडशॉट लगाएंगे इसे खड़े खड़े। तो इसे कोई प्लेयर तो मिल जाए, स्कोप है या कोई प्लेयर नहीं मिलती, यही मेरे साथ दिक्कत। जब मेरे पास यार कुछ चीज़ें अच्छी आ जाती है ना, मरने के लिए प्लेयर ही नहीं मिलते। वाह बात कर, प्लेयर नहीं मिलते तब तक एक तो गिर गया मतलब चला गया, बोला मेरे से कौन जाएगा भाई। कोई तो आओ यार, कोई भी आ जाए, एक्स वाई जेड प्रो प्लेयर हो चाहे नूब हो चाहे जो भी आ गया जाओ, वो जो फोट। अरे देखो स्नाइपर काम की नहीं है, मैं अपने वाले से ही मारूंगा इसको, ये मर जाए। देखो हेडशॉट, देखो इसी से हेडशॉट लगा दिया मैंने। अबैकस किट्स जो भी था, अबैकस टिकट थे तो भी जो भी थे, तुम मारी जय मतलब तुम मर चुके हो। फिलहाल मैं चलता हूँ आगे, वैसे फिलहाल वहाँ पे यार ड्रॉप वाला धुआं दिख रहा है यार। फिर से अगर आरटी 50 मिल गई ना, मज़ा आ जाएगा यार। यानी कि एक स्नाइपर का यानी कि एक तमन्ना पूरी हो जाएगी यार उस वाले की। इसमें ये एक्चुअली क्या स्पेशल क्या, इसमें थर्मल वाला स्कोप रहता है, मतलब कोई जो हमें ऐसे नहीं दिख रहा उससे मिल जाता है। फिलहाल अगर हो सकते ड्रॉप गिरू, कोई स्नाइपिंग हम पे ही ना कर दे, थोड़ा सा थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। फिलहाल इतना दूर है और कोई हमको ही अगर देखे लेते हुए, वैसे चलो वैसे देखा जाए अगर देखो लेने चल रहे हैं, अगर मेरे नाम में होगा तो मतलब मैं को मिल जाएगा, नहीं तो क्या, क्योंकि ड्रॉप पे हर ड्रॉप पे लिखा लूटने वाले का नाम। फिलहाल उसे कोई नहीं लिया, मैंने ले लिया है, और यदि आर्टिक 50 और जो कि मेरे हाथों में आते हुए, और हम यहाँ से चलते हैं। ये हमको मेरे को स्नाइपिंग है कि आर्टिक 50 का जो वो है ना स्कोप, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। और ये वैसे ये कि लास्ट मोमेंट पे ही मारती है, यानी समय पे नहीं मारती। ये भाई चढ़ जाए यार, बात करते हो तो तुम चढ़ने में ध्यान नहीं लगाते हो, अटक रहे यार। चल ऊपर चढ़ता चल। फिलहाल हमको बहुत ऊंचा रास्ता तय करना है, जो कि वहाँ पर कैनॉट डिप्लॉय, अरे इसकी रस्सी इतनी काय पर छोटी रहती है, कैनॉट डिप्लॉय करता है यार। फिलहाल अच्छा वो चलो चोटी पे चढ़ने के लिए रस्सियाँ हमको प्रदान की जा रही हैं, तो हम यहाँ से ही सीधे सीधे ऊपर चढ़ेंगे, एफर्टलेस काम करेंगे हम, जिनको कोई एफर्ट ना करना। और यहाँ से तो लगा देंगे चोटी पे, यहाँ से मतलब इतना डिस्टेंस तुम कवर कर सकते हो इससे निंजा वाले से। चढ़ जा भाई, अरे चढ़ जा, इतना छोटे से भी नहीं चढ़ पा रहे हो यार। चलो आगे बढ़ो। देखो आसपास कोई है, स्कैन कर लेता हूँ, इसमें देखो थर्मल वाला है ना, तो स्कैन कर लेता हूँ कोई आसपास है कि नहीं है। आवाज़ तो नहीं आ रही, फिलहाल हमारी पर की आवाज़ हमको सुनाई देती है। वैसे फिलहाल स्कैनिंग किया जाए कोई बंदा है कि नहीं आसपास। वैसे छोड़ो पहले शॉर्ट रेंज के लिए लिए रहो, क्योंकि अचानक कोई आकर फट्ट से मार देगा मुझको। वैसे यहाँ पर से देखो वो, ये देखो इसमें से कोई आदमी बंदा दिख नहीं रहा है। फिलहाल चलो शॉर्ट रेंज की लेके चलते हैं, फिर कोई आएगा तो सीधे सीधे से मार देंगे। स्नाइपर है भले इसका नाम है वन शूट वन किल, परंतु जल्दी कभी होता नहीं। और कोई है शायद, मेरे को संदेह है, हजारी थी। ये देखो वो देखो वो दिखा बंदा, वो रहा बंदा। रुक जा भाई रुक जा, तेरे को मैं स्नाइपिंग करूंगा अपने आर्टिक 50 से, जो कि मेरी फेवरेट स्नाइपर है इस समय। फिलहाल बस मेरा से अभी COD में यही सबसे बेस्ट स्नाइपिंग के लिए होगी इसको। ये रहा बंदा, ये एक लगी, गुड गुड गुड। अरे मिस हो गया बस वो, ये लग गया। विथ आर्टिक 50 हमने इसको मार दिया है, बेचारे का वो खात्मा हो चुका है। फिलहाल नेक्स्ट चल तो आगे चलो चले मितवा। वो रहा एक बंदा, ये इसको हम मारने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, ये गया गुड गुड। वो भी जतू कहीं प्लेसमेंट में जोन से ना मर जाऊँ, वैसे गलत मैं आ रहा हूँ तुमको मारने। मर जा भाई ये मरेगा यार, थैंक गॉड मर गया यार, ये लास्ट किलर मैं जीत गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एज यूजुअल लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि मैंने रोज का लास्ट एक्स्ट्रा कहना रहता है। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।